इस संसार में हर इंसान परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहता है और मांगे बगैर परमेश्वर के पास कोई जाते भी नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही आसरा है, वो हमारा परमेश्वर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने आप से हम लोग पा लेते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम उनकी मदद मांगना जरूरी होता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर से मांगता नहीं है। हर कोई उनके पास कोई ना कोई चीज मांगने के लिए जाते हैं। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो सिर्फ उनके पास जाकर उनकी स्तुति और आराधना करते हैं। कुछ मिले या ना मिले, मैं बस प्रभु के साथ रहूंगा, ऐसी बहुत कम संख्या होती है। लेकिन जो कुछ भी हो, परमेश्वर से मांगने वाले से परमेश्वर कभी नाराज या खफा नहीं होते। उन्हें बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। छोटी चीज हो, बड़ी चीज हो, चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर को अच्छा लगता है जब उसके संतान उनके पास आकर उनसे मांगते हैं। और वो कहते हैं अपनी प्रतिज्ञा के रूप में, यदि तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है ना। परमेश्वर का जो वचन को हम प्रॉमिस के रूप में स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की बातों को बातों के रूप में स्वीकार नहीं करते, हम प्रॉमिस के रूप में। प्रॉमिस वो होती है जिसके ऊपर मानो की कोई मोहर लगा दी हो, जिसे सैंक्शन कर दी हो, जिसके ऊपर अधिकार है। और जिस पत्र के ऊपर या फिर जिस किसी भी कागज के ऊपर किसी के हस्ताक्षर होते हैं, उसकी मोहर होती है, उसकी कीमत कुछ ज्यादा ही होती है, उसकी अधिकार बहुत होती है। और परमेश्वर ने अपने शब्दों को भी प्रतिज्ञाओं के रूप में रखा है, लेकिन साफ शब्दों में अपने शिष्यों के साथ वो कह रहे थे, अपने सुनने वालों के साथ कह रहे थे, यदि आपको कुछ चाहिए तो मुझसे मांगिए, यदि किसी चीज के लिए द्वार खुलना है तो उसके लिए मेरे पास आइए, आप खटखटाइए, यदि किसी चीज को ढूंढते हो तो निश्चय तुम प्राप्त करोगे। परमेश्वर ने सरल शब्दों में कहा है, लेकिन हम प्रतिज्ञा के शब्द लेकर उससे लेते हैं ताकि हमें एक आश्वासन मिल सके कि यीशु ने जो हमसे कहा है वो निश्चय हमें देंगे। अब प्रभु मसीह आपसे आज इन सरल शब्दों को अपनी प्रतिज्ञा के रूप में ही कहते हैं, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है, परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई भी, जो कोई मतलब उसमें आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, हमारे मित्र हो सकते हैं, परिवार हो सकते हैं, इस धरती पर मानव रूप में जितने भी लोग हैं वो सब जो कोई के अंदर आते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते। कभी प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते कि तुम मेरे साथ नहीं चलते हो, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। प्रभु कहते हैं धर्मी और अधर्मी सभी के ऊपर जैसा बरसात होती है वैसी मेरी करुणा दया भी सबके ऊपर उतर आती है। और आप भी और मैं भी उनमें से एक है, हम में कोई परिवर्तन नहीं है। हम सब लोग प्रभु के पास जाते हैं, मांगते हैं, लेकिन प्रभु के पास जब मांगते हैं तो विश्वास के साथ जाना चाहिए और विश्वास से मांगना चाहिए। और जब विश्वास से मांगते हैं तो स्वीकार कर लीजिए कि आपने प्राप्त कर लिया है। और प्रभु कहते हैं इसके बदले में धन्यवाद कह देना, क्योंकि आप जो मांगते हो उसे आपके लिए दे दिया जाएगा। अब आपकी क्या जरूरत है? शारीरिक जरूरत है, मानसिक जरूरत है, आर्थिक जरूरत है, आध्यात्मिक जरूरत है, पारिवारिक जरूरत है, सामाजिक जरूरत है। क्या चाहिए आपको? बुद्धि की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, समझ की जरूरत है, परीक्षाएं दी हैं, अच्छे नंबर की जरूरत है, नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए हैं, नौकरी की जरूरत है, या फिर आप शादी करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, आपकी जरूरत क्या है? आपके घर में कोई समस्या है, शरीर में कोई समस्या है, या फिर कोई बीमारी है, कोई रोग है, समाज में कोई समस्या है, आपके पड़ोसी से कोई तकलीफ है, कोई नाराजगी है, या फिर आपके दफ्तर में कोई प्रॉब्लम है, क्या है आपकी जरूरत? छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो कुछ भी जरूरत क्यों ना हो, उसे प्रभु के पास लेकर जाइए, क्योंकि उसे हल करने के लिए उनके पास एक सरल परिष्कार होती है। और प्रभु अपने प्रतिज्ञा के रूप में आपसे कहते हैं, कुछ भी क्यों ना हो मेरे पास आ जाओ, निस्संदेह आ जाओ, कभी भी आ जाओ, कोई भी मांग लेकर आना, लेकिन मेरे पास आने से दूर ना रहना। और जब परमेश्वर के पास आप जाते हैं, उनसे जब मांगते हैं और उनसे जब प्राप्त करते हैं, उनको प्राप्त करने के बाद या फिर उन आशीषों को लेने के बाद या फिर उनसे मांगा हुआ चीज को आप हासिल करने के बाद
आपकी जीवन बदल जाएगी। आप फिर दोबारा सिर्फ मांगने के लिए उनके पास नहीं जाएंगे, आप उनको धन्यवाद कहने के लिए जाएंगे, आप उनके साथ रहने के लिए जाएंगे, आप उनसे प्यार करना शुरू करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को वो प्यार है जो हमें देता है, वो परमेश्वर की खूबी है, उनका बहुत बड़ा मन है वो जो हमारे मांगने पर देता है। ये तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसको पत्थर देगा, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों की अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर हम अपने बच्चों को कभी रोटी मांगने पर पत्थर तो नहीं देते हैं, मछली अगर कोई मांगे तो उसको सांप लाकर नहीं देते, कौन इतना बुरा इंसान होगा जो अपने बच्चों को पर रोटी की जगह पत्थर खिलाएगा, कौन इतना खराब मनुष्य होगा जिसको आपने मछली खिलाने के लिए पूछा लेकिन वह सांप पकड़कर आपके सामने लेकर आ गया, कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसको आपने कहा कि मुझे भूख लगी है कुछ खिला दो तो वो आपको कोई और गलत चीज खिला देगा, कौन ऐसा मनुष्य है? मनुष्य तो वो काम नहीं करता है, बुरे मनुष्य भी इतनी गंदी काम नहीं करते हैं, इतने खराब काम नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं जब मनुष्य बुरा होकर भी अच्छा काम करना जानता है तो स्वर्गीय पिता जो सबसे अच्छा है, सबसे धर्मी है, पवित्र है वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान वो खुदावंत अपने मांगने वालों को फिर अच्छी अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। आप क्या मांग रहे हो आज? पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, इस संसार की चीजें चाहिए, या फिर कुछ और आध्यात्मिक चीजें भी आप मांगना चाहते हो? क्या प्रभु से ऐसा कहना चाहते हैं कि प्रभु मेरी आंखें खोल देना ताकि मैं आपको देख सकूं, प्रभु मेरे करीब आ जाना ताकि मैं आपके साथ में रह सकूं, प्रभु मेरे साथ साथ चलना ताकि प्रभु मैं कभी संकट में गिर ना जाऊं, प्रभु मेरी ओर प्रभु आपकी नजरों को बनाए रखना ताकि प्रभु मैं कभी आपसे दूर ना हो जाऊं, प्रभु मुझसे बातें करते रहना ताकि प्रभु मुझे सांत्वना मिलती रहे, मुझे हिम्मत मिलती रहे, मुझे साहस और हौसला मिलती रहे, मेरा विश्वास बढ़ता रहे, और प्रभु आप मुझसे जब बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्या आप ऐसी कुछ चीजें मांगते हो? प्रभु यीशु मसीह से क्या कहते कि प्रभु जी आप अपने स्वर्ग राज में जब आओगे तो मुझे शामिल कर लेना, मुझे स्वर्ग लेकर जाइए। क्या ऐसी चीजें मांगते हो? क्योंकि ईश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। अनंत जीवन मतलब स्वर्ग में जीवन को प्राप्त करेंगे। क्या स्वर्ग की चीजों को खोज रहे हैं हम या फिर धरती की चीजों को खोज रहे हैं? तब प्रभु से मांगने से प्रभु हमारे मांगने के समान देते हैं, मांगने से भी बढ़कर देते हैं। कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रभु कहते हैं शायद आपने जो मांगा आपके लिए सही नहीं है, और अगर उसका उत्तर ना मिले तो इंतजार कीजिए, हो सकता है थोड़ी देर के बाद मिले, अगर वो सही चीज है सही समय पर आपके पास आ जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ हो सकता है आपने जो मांगा है वो आपके लिए आज ठीक लगेगा लेकिन कल अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु आपसे कहते हैं हाँ इंतजार करो, ना कि कुछ मेरी प्रार्थना का उत्तर है जिसे आपको स्वीकार करना सीखना चाहिए। एक बार एक अपंग व्यक्ति क्लंगड़ा व्यक्ति मंदिर के पास बैठे हुए पत्रस और योहन्ना जब मंदिर के अंदर जा रहे थे उनसे कहते हैं मुझे कुछ है तो दे देना। अब भोर का समय था, अंधेरा ही था, सूरज भी निकल नहीं आया था। पत्रस और योहन्ना उनकी ओर देखकर कहते हैं सोना चांदी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वास्तव में उनके पास नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा सोना चांदी धन दौलत कमाने का समय नहीं है, ये अब इन सबको छोड़ दो और चलो मनुष्यों को मेरे राज्य के लिए आप तैयार करते जाओ। तो पत्रस और योहन्ना सवेरे सवेरे वे मंदिर में जा रहे थे लेकिन मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ था जिसके पैर नहीं थे, वो कहता है कुछ है तो दे देना। इन दोनों ने उनकी ओर तरस खाकर देखा और उनसे कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे पास कुछ है जो हम आपको देना चाहते हैं। तुरंत उन्होंने उनको हाथ बढ़ाकर कहा चलो यीशु के नाम पर उठ खड़े हो जाओ। तो लंगड़ा व्यक्ति तुरंत खड़ा हो गया, वो चलने लगा। अब इसने पैसा मांगा था, सोना चांदी के रूप में उन दिनों में सिक्के चलते थे, अगर इन्होंने उनको पैसा दे दिया होता हो सकता है एक वक्त की रोटी में थोड़ा सा योगदान इन्होंने दिया होगा लेकिन पूरा रोटी भी नहीं खिला होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक वक्त का गुजारा करने के लिए, एक दिन का गुजारा करने के लिए उन्होंने उनको मदद किया होगा। लेकिन जब पत्रस और योहन्ना दोनों ने मिलकर उसे कहा यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा हो जा, मतलब उसे खड़ा होना सिखा दिया,
उसकी जो अपंगपन थी या फिर उसकी जो लाचार स्थिति थी उसमें से उन्होंने उनको छुड़ा दिया। अब वो किसी के रहम पर उसको जीने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मंदिर के बाहर बैठकर, मंदिर के बाहर एक लंगड़ा व्यक्ति के रूप में, एक अपंग व्यक्ति के रूप में, मंदिर के बाहर एक भिखारी के रूप में उसे बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन मंदिर के भीतर आ सकता है, आराधना कर सकता है, अपने आप चल सकता है, खड़ा हो सकता है और काम भी कर सकता है। और ऐसे अगर लाचार स्थिति में कल कोई उनके सामने नजर आ जाए, उनको ये दया की रहम भी दिखा सकते हैं। इन्होंने मांगा कुछ था लेकिन परमेश्वर के भक्तगणों ने उनको दिया कुछ है। परमेश्वर की योजना सनातन की योजना है, छोटी योजना नहीं है। और ये परमेश्वर ने इस उदाहरण से हमें यह सिखाया है कि देना परमेश्वर का काम है, वो देना जानते हैं, कितनी परिमाण में देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कहां देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जब हम मांगते हैं तो प्रभु की इच्छा में सब रख दे, अगर सब रख दे तो बहुत अच्छा होगा। एक बार ऐसे गंदा भिखारी जो यरीहो के नगर के फाटक के बाहर में सड़क के बाजू में बैठा हुआ था और वो भीख मांग रहा था, जब उसे खबर मिली कि यीशु आ रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर उसे कहते हैं, और यीशु ने उनको बुलाकर कहा क्या चाहिए तुम्हें। उस व्यक्ति ने साफ साफ कह दिया कि प्रभु मुझे कुछ और नीचे सिर्फ मैं देख पाऊं। यीशु ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम देखने लगोगे। यीशु ने उन्हें तुरंत चंगा कर दिया। अब उन्होंने वहां पर धन नहीं मांगा, उन्होंने सोना चांदी नहीं मांगा, उन्होंने कहा कि मैं देख पाऊं, क्योंकि उनकी दृष्टि अगर उनको वापस मिल गई, वो देखने लगे तो उन्हें भिखारी बनने की जरूरत नहीं है, सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं है, किसी की दया और रहम पर बैठने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने संसार में चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, औरों को भी खिला सकते हैं। उनकी मांग बहुत अच्छी थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुरंत तुम प्राप्त करो इसे। कभी कोई कोढ़ी आकर यीशु से कहा कि प्रभु आप चाहे तो मुझे चंगा कर दे, इसने तुरंत उसको चंगा कर दिया। क्यों? क्योंकि कोढ़ की बीमारी से ऐसी रख कर उसको धन दौलत देने से वो इंसान ऐसे बीमार पड़ा रहेगा, वो समाज से दूर रहेगा, उसकी बीमारी उसे परेशान करते रहेगी, उसे रुलाते रहेगी। इसलिए यीशु ने चाहा कि तुरंत चंगा हो जाए। बीमार व्यक्ति हैं, जितने भी बीमार लोग हैं, जितने भी रोग पीड़ित लोग हैं, दुष्टात्मा ग्रस्त लोग, जितने भी लोग ईश्वर के सामने आए, तुरंत ईश्वर मुझसे ने उन्हें छुटकारा चंगाई दे दिया था। आज इन वचनों के शब्दों को सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों, आपकी कोई भी जरूरत क्यों ना हो, चाहे वो बुद्धि के संबंधित हो, धन के संबंधित हो, शरीर स्वस्थता के संबंधित हो, या फिर शरीर और स्वास्थ्य के संबंधित हो, या फिर कोई परिवार के संबंधित हो, रिश्तों के संबंधित हो, नौकरी के विषय हो, खेती के विषय हो, कारोबार का विषय क्यों ना हो, हर विषय को प्रभु के पास लेकर जाइए, क्योंकि वो प्रभु जानते हैं कि आपको कैसे परिष्कार देना है, क्या देना है, कैसे देना है, कब देना है, कहां देना है और कितनी मात्रा में देना है। लेकिन आपसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मांगते रहिए, मांगते रहिए। कब तक मांगते रहिए? जब तक आप प्राप्त ना करें। खटखटाते रहिए, कब तक खटखटाना चाहिए? जब तक आपके लिए कोई द्वार खुला ना जाएगा। और ढूंढते रहिए कितने समय तक? जब तक आप उसे प्राप्त नहीं करोगे तब तक ढूंढते रहना। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे, प्रभु की आशीष बहुत ऐसा आपके ऊपर उतर आ रही है। आपके मांगने से बढ़कर, आपके चाहने से बढ़कर प्रभु आपको देना चाहते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कुछ बड़े काम करो, बड़े काम करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी सामर्थ्य आपको देकर चिन्ह चमत्कार वाली कार्य करवाना चाहते हैं, जिससे वो खुदावंत की महिमा हो और आप भी यहाँ पर उस परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। खुदा आपको आशीष दे।